पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जयपुर में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कार हो गई बेकार के स्लोगन के साथ कांग्रेस के नेताओं ने विरोध जताते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिसमें ऊंट गाड़ी और बैल गाड़ियों पर बैठकर जुलूस निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने अपने चौपहिया वाहनों को रस्सियों और ऊंट गाड़ियों से बांधकर खींचा। इस रैली का आयोजन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंडित सुरेश मिश्रा ने किया था। शुक्रवार सुबह यह रैली किरण पथ चौराहा मानसरोवर में सुबह 11 बजे निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरिया वास, मनोज मुद्गल समेत कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम संयोजक सुरेश मिश्रा ने बताया कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, जबकि अपने देश में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। भाजपा की केंद्र सरकार में महंगाई हमेशा बढ़ी है, सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रही है, ऐसे में देश का नागरिक परेशान हो चुका है। पेट्रोल व डीजल का दाम बढ़ने से लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे। नौबत यह है कि गाड़ियों को ऊंट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी से खींचकर चलवानी पड़ेगी। जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मौजूदा केंद्र और भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला। सरकार ईमानदार होगी तब तो पेट्रोल डीजल, आज श्रीलंका पाकिस्तान और नेपाल यहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता है, जो हमसे खरीदते हैं हमारे यहाँ पर महंगा है, इससे बड़ा पाप मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती।